और उसकी सफलता जब पूरा छत्तीसगढ़ इसका इंतजार करता है। 7 दिन का ये जगार का मेला उत्सव का प्रतीक है, जो हस्तशिल्प के कलाकार यहाँ पे आते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे 17 अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं उनका व्यवसाय के लिए, विपणन के लिए, उनके प्रदर्शन के लिए और एक दूसरे से सीखने और जानकारी लेने के लिए। ये एक बहुत ही सफल प्रयोग रहा है जगार के माध्यम से। ये साल भर कलाकार इंतजार करते हैं और अपने बनाए हुए सामग्री को यहाँ पे लाते हैं। जो यहाँ के अच्छे कलाकार होते हैं उनको सम्मान भी किया जाता है 25,000 के नगद पुरस्कार के साथ। और एक प्रकार से जगार ये ऐसा जागृत केंद्र बन रहा है, एक त्यौहार, एक फेस्टिवल के रूप में रहता है। लोक कला, लोक संगीत का भी कार्यक्रम होता है और करोड़ों रुपये की बिक्री भी यहाँ पे होती है। कलाकार जो भी लेके आता है उसका विपणन, बिक्री के लिए एक मंच इनको मिलता है। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे कार्यक्रम में हम सम्मिलित होते हैं, सभी कलाकारों के साथ एकत्रित होते हैं। मैं बधाई दूंगा मंत्री जी को, माननीय पुन्नूलाल मोहले जी को और अध्यक्ष जी को, जो हस्तशिल्प के अध्यक्ष हैं दीपक ताराचंद साहू जी को, विभाग को, कि बहुत अच्छे तरीके से इन कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए देश में भी जो मेले लगते हैं उसमें भी हम जाते हैं, अलग अलग जिलों में भी जाते हैं और एक प्रकार से उत्साह कार्यकर्ता जो हमारे कलाकार हैं उनको होता है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ और एक भवन यहाँ पे निर्माण के लिए आज 20 लाख रुपए के मैंने स्वीकृति दिया, ताकि इन कलाकारों के लिए, जो महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, उनके लिए फ्रेश होने के लिए, थोड़ा विश्राम करने के लिए एक जगह जहाँ वो लंच कर सकें, अपने टेंट से हट के वहाँ जाके खाने की भी व्यवस्था करें, ऐसे प्लेटफॉर्म बनवा दिए जाएंगे तो एक प्रकार से इनके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।